बहुत सारे एलिमेंट्स यूज करते हैं, मशीन एलिमेंट का यूज किया जाता है, जिसमें से कि एक है गियर। इसी तरह से गियर है हमारा, पुली है, चैन, कैम, क्लच, रोप, ये इस तरह की अलग अलग ड्राइव्स होती हैं हमारी, जिसके जरिए हम पावर ट्रांसमिशन करते हैं। तो आज हम जो ड्राइव यूज करने वाले हैं, गियर ड्राइव यूज करने वाले हैं, जो हम गियर जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनको बताऊंगा मैं कि पावर ट्रांसमिशन उनसे किस किस तरीके से की जाती है। अगर आप कहेंगे जो और भी जो पावर ट्रांसमिशन के एलिमेंट्स हैं, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उन पर भी एक वीडियो, अलग अलग वीडियो बना दूंगा। इसके बाद बात करते हैं, सबसे पहला हमारा जो है, व्हाट इज गियर। गियर क्या है? गियर के बारे में बताऊं आपको, जो गियर है वो क्या है, शक्ति, जैसे पावर ट्रांसमिशन बताया, शक्ति संचालन की इस विधि में उस स्थान का प्रयोग किया जाता है, उस स्थान का प्रयोग किया जाता है जहां शाफ्ट के बीच स्थान बहुत, यानी शाफ्ट के बीच में गैप जो होता है बहुत कम होता है, वहां पर हम इस तरह की जो गरारियां होती हैं, इन गरारियों को फिट कर देते हैं और उसके बाद पावर को ट्रांसमिशन करते हैं। यह है लोहे के गोलाकार, यानी कोई मेटल है उसकी गोलाकार व्हील की तरह होती है, और इसकी जो परिधि यानी जिसका सर्कमफेरेंस होता है, उसमें कुछ टीथ्स कटे होते हैं जो कि दांते आकार में सेम, समांतर और बराबर दूरी पर बने हुए होते हैं। तो ये सभी, ये होती है हमारी गियर। इसके बाद बात करते हैं इसकी टीथ की जो प्रोफाइल होती है, कि टीथ का आप इस इमेज के जरिए से देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पर टीथ की प्रोफाइल, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, अडेंडम, डिडेंडम, पिच सर्कल, डाया, रूट सर्कल, फेस वीड, ये सभी चीज़ें हमारे इसके पार्ट्स की, इस पर गियर की प्रोफाइल है। इसी तरह से सभी गियर्स की अलग अलग प्रोफाइल होती है। गियर बताऊँ जैसे जो टीथ होती है, टीथ शेप, गियर के दांतों की बनावट या प्रोफाइल बनाने के लिए सामान्यतः दो कर्व, यानी दो कर्व का यूज किया जाता है, जिसमें जिन्हें हम इन्वॉल्यूट या साइक्लाइड कहते हैं। परंतु जो इन्वॉल्यूट दांतों वाली गरारी अधिक प्रयोग की जाती है, क्योंकि ये गरारी साइक्लोइड जो कर्व होते हैं उसकी अपेक्षा ये परिशुद्ध यानी सस्ती बनाने में आसान होती है, तो इसलिए हम इस तरह की जो फॉर्मेट है उसको ज़्यादा यूज करते हैं। इसके बाद अगला है हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ गियर। टाइप्स ऑफ गियर जो हैं वो कितने टाइप्स के गियर्स हम यूज करते हैं, तो जैसा कि बताया मैंने आपको, वी आर यूज मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर, यानी हम बहुत सारे टाइप्स के गियर्स का यूज करते हैं। तो उसमें से कुछ जो मेन गियर्स हैं, मैं वो गियर आपको अब बताने वाला हूँ। दोस्तों आप कॉपी पेन ले लीजिए, ये जो नोट्स हैं आप बना दीजिए, इनको आपके बहुत ही काम आने वाली हैं, तो आप इनको नोट, वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहला जो गियर है हमारा स्पर गियर। स्पर गियर क्या होते हैं? तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर जो स्पर गियर है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये है हमारे स्पर गियर। स्पर गियर क्या होते हैं? एक्सिस के पैरेलल, यानी एक्सिस के समांतर हमारे इसमें दांते कटे होते हैं, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं। ये साधारण प्रकार का गियर होता है जिसके दांत गियर के अक्ष के समांतर होते हैं। इस गियर का मुख्य प्रयोग गति को समांतर शाफ्टों पर ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। साधारण का, जनरली हम साधारण सिंपल काम है तो उसके लिए हम ये स्पर गियर का ही यूज करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हेलिकल गियर का। तो जो हेलिकल गियर होता है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारा है हेलिकल गियर। इस प्रकार के गियर के जो दांते होते हैं वो, जैसा कि स्पर गियर में होगा तो समांतर होते हैं, लेकिन समांतर इसमें नहीं होते। इसमें क्या होता है, एक निश्चित कोण पर इसके जो टीथ्स बने होते हैं, एक्सिस से एक निश्चित कोण पर इसके टीथ बनाए जाते हैं। इस गियर का प्रयोग समांतर शाफ्टों में ही हाई स्पीड और हैवी लोड जहां हमें लेना हो, वहां पर हम पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हम इस तरह के हेलिकल गियर, यानी हैवी लोड और हाई स्पीड अगर हमें लेनी है तो वहाँ पर हम इस तरह के हेलिकल गियर का यूज करते हैं। इस गियर को जब हम यूज़ करते हैं तो थोड़ी सी हमें कुछ प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती हैं, जैसा कि जब गियर गति में होता है यानी हाई स्पीड पे होता है, तो साइड में प्रेशर के कारण गियर बाहर निकलने की, स्लाइड करने की कोशिश करते हैं और बेयरिंग व शाफ्ट को भी धकेलती है। तो इसके लिए हम और भी जो है इस एलिमेंट है उनका यूज़ करते हैं। तो ये हमारा है हेलिकल गियर। इसके बाद बात करते हैं हेरिक बोन गियर। दोस्तों जो हेरिक बोन गियर है, ये जो गियर है ये हमारा हेलिकल गियर का ही एक टाइप है। जैसा कि आप यहाँ देखेंगे इस इमेज में, ये हेलिकल गियर का ही एक टाइप है, हेरिक बोन गियर, जिसको हम डबल हेलिकल गियर भी कहते हैं। इसको हम डबल हेलिकल गियर भी कहते हैं। इस गियर पर दांते अक्ष के एक निश्चित कोण पर बने थे, जो कि सेंटर में दोनों ओर वी आकार बनाते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में यहाँ से
देख सकते हैं कि वी का घर बनाते हैं। इस गियर का प्रयोग समांतर शाफ्टों में हाई स्पोर्ट और भारी लोड के लिए ही किया जाता है। इस प्रकार के गियर का प्रयोग करने गियर की दिशा में बीयरिंग और शाफ्ट को साइड में नहीं दिखलती, यानी इसमें जो प्रेशर वो साइड में नहीं लगता है, जैसा कि हेलिकल गियर में मैंने बताया था उसमें लगता है। तो ये गियर बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते, इसलिए हम जहाँ हमें हाई स्पीड और ज़्यादा हैवी लोड चाहिए तो वहाँ पर हम इस तरह के हेरिकबोन गियर का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये है हेरिकबोन और हेलिकल गियर, दोनों में क्या डिफरेंस है ये चीज़ हमारी आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं वर्म एंड वर्म व्हील। दोस्तों वर्म एंड वर्म व्हील जो गियर है आप यहाँ इस इमेज में देखिए, वर्म एक प्रकार की सिलिंड्रिकल रॉड होती है, जैसा कि यहाँ ऊपर देख सकते हैं एक सिलिंड्रिकल रॉड है जिस पर हेलिकल या स्पायरल रूप में लगातार चूड यानी थ्रेड्स बनी होती हैं, जिसको हम वर्म गियर के साथ मैश करते हैं, जैसा कि ये नीचे जो व्हील होता है इसके साथ हम मैश कराते हैं। इनका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ दो शाफ्ट आपस में क्रॉस, यानी दो शाफ्टें आपस में क्रॉस करके चलानी है हमें, तो वहाँ पर हम इस तरह की पावर को ट्रांसमिट करने के लिए इस तरह के वर्म गियर का यूज़ करते हैं। इनमें वर्म गियर को घुमाने वर्म गियर घूमती है, परंतु वर्म गियर को घुमाने से वर्म गियर नहीं घूमता। इस प्रकार वर्म को घुमाकर गति को क्रॉस में ट्रांसमिट किया जाता है। तो ये है हमारा वर्म एंड वर्म व्हील गियर। दोस्तों कई फ्रेंड्स के कमेंट आते हैं सर हमें इंग्लिश सबटाइटल भी चाहिए, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के सबटाइटल हैं, तो आप दोनों में उसको नोट कर सकते हैं और इसको रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं रैक एंड पिनियन गियर। रैक एंड पिनियन गियर क्या है आप यहाँ इस इमेज में देख सकते हैं। रैक एक प्रकार की फ्लैट होती है जिस पर सीधे सीरीज में दांते बने होते हैं, इसके साथ एक पिनियन मैस, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक पिनियन मैस कर रहा है जिस पर स्पर गियर के समान, यानी स्पर गियर जो होता है उसी तरह के इस पर टीथ कटे होते हैं। इस प्रकार की गियर मिलिंग मशीन्स के टेबल्स, लेथ मशीन के बैड और कैरिज में हम देख सकते हैं, और कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि डायल टेस्ट इंडिकेटर है हमारा, प्रेशर गेज वगैरह है, तो वहाँ पर हम छोटे छोटे जो इक्विपमेंट्स होते हैं वहाँ पर भी हम इस तरह के गियर्स का यूज करते हैं। इसको बोलते हैं हम रैक एंड पिनियन गियर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट गियर होता है, इसका भी हम यूज करते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा बेवल गियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गियर है बेवल गियर, इसमें हम अलग अलग तरह के गियर्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहला जो गियर दिखाने वाला हूँ बेवल गियर है, ये बिल्कुल सिंपल गियर है। इसके बारे में बताऊँ आपको, जब दो शाफ्टों के अक्ष एक दूसरे को काटते हैं यानी 90 डिग्री पर अगर हमें पावर को ट्रांसमिट करना है तो वहाँ पर हम इस तरह के बेवल गियर का यूज़ करते हैं, और किसी सॉफ्टवेयर फिट सॉफ्टवेयर गति को ट्रांसमिट करने के लिए बेवल गियर का प्रयोग किया जाता है। कार्य के अनुसार यह गियर कई प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि बेवल गियर का अलग अलग तरह के टीथ्स की जो प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। कार्य के जैसे कि स्ट्रेट टीथ बेवल गियर, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं स्पायरल टीथ बेवल गियर एटसेट्रा, तो ये बेवल गियर के अलग अलग टाइप्स हैं, जिसमें कि आगे का कुछ इंपॉर्टेंट गियर मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसको दोनों को नोट डाउन कर सकते हैं। अगला गियर है हमारा मिट्रे गियर। ये मिट्रे जो गियर है ये भी एक हमारा वेवल गियर का ही एक पार्ट है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सेम उसी तरह से 90 डिग्री में ही पावर को ट्रांसमिट किया है, यानी यह यदि गरारियों द्वारा शक्ति संचालन समकोण यानी 90 डिग्री में करनी हो तो मिट्रे गियर विधि अपनानी चाहिए। इसमें दो वेवल गियर आपस में संपर्क में सुचारू रूप से चलते हैं। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है मिट्रे गियर और वेबल गियर। मिट्रे गियर जो होता है एक स्पेशल टाइप का गियर होता है और 90 डिग्री ही साफ को रोटेशन करता है, लेकिन इसमें क्या होता है इसके जो गियर दोनों गरारी होती है उनका रेशो होता है 1:1 का रेशो होता है इसमें, जबकि वेबल गियर में नहीं होता है। तो ये मेन डिफरेंस है मिट्रे गियर और स्पर गियर में, सॉरी मिट्रे गियर और वेबल गियर में। इसके बाद बात करते हैं वेबल गियर का एक और पार्ट जिसको हम बोलते हैं स्पायरल वेबल गियर। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके जो टीथ्स हैं वो देखेंगे आप स्पायरल यानी एक पर्टिकुलर एंगल पे हैं, जब एक्सिस ना पैरेलल होती है ना ही इंटरसेक्टिंग, ऐसे में हमको कंप्लीट रोलिंग मोशन नहीं मिलता। तो गियर के बीच में ऐसे गियर को उदाहरण स्पायरल गियर यानी यहाँ पर स्क्रू वेवल गियर, जिसको हम स्क्रू वेवल गियर भी बोलते हैं, तो वो हम ज़्यादातर यूज करते हैं। जो हमारा स्पायरल गियर हाई स्पीड